नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीजी सेट के मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। चाहे वो किसी भी रेटिंग का हो, 300 केबीए हो, 500 केबीए हो, 750 केबीए हो, 1000 केबीए, किसी भी रेटिंग का हो, तो सबके जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक ही होते हैं। तो दोस्तों जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ढेर सारी जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, जो है जनरली जो है क्या होता है, जब भी कोई जो है डीजी सेट का जो मेंटेनेंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो उनको जो है चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक। तो सो फ्रेंड्स, जो है इनमें जो है ये चारों जो है अलग अलग जो स्टेज हैं। ए चेक में हम क्या करते हैं, बी चेक में हम, डीजी में जो है किस तरह का मेंटेनेंस का काम करते हैं, सी चेक में क्या करते हैं, डी चेक में क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। तो आइए फिर जो है एक सिलसिलेवार तरीके से हम शुरू करते हैं इसको, ए चेक से जो है शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जो है हमारा जो ए चेक होता है, जनरली ये डेली बेसिस जो है चेकअप होता है। जब भी हम जो है डीजी को जो है डे बाय डे जब भी हम उसको ऑपरेट करते हैं, उसको जो ऑपरेट करना होता है, तो हम किन किन चीज़ों को जो है ध्यान देते हैं। पहली चीज़ें जो है डेली बेसिस में हम देखते हैं ए चेक में, कि जो है हमारा जो आयल लेवल ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारा जो है डीजी की साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, बैटरी के वोल्टेज के बारे में जो है मतलब उसको चेक कर लेते हैं, बैटरी वगैरह हमारा ठीक है, उसके बाद कहीं कोई आयल लीकेज तो नहीं है, सारे फिल्टर की कंडीशंस ओके है, हमारा जो ऑयल लेवल है वो ठीक ठाक है, उसके बाद में हमारा जो कूलेंट लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं है, हमारी वी वेल्ड की कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जनरल जो है सुपरविजन हम डेली बेसिस में करते हैं, हमें उन्हें जब भी जो है ऑपरेट करना होता है, ताकि जो है अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग्स होने की जो है पॉसिबिलिटीज़ को जो है कम किया जा सके। अगर कोई इस तरह का जो है कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो हम उसको जो है पहले उसको जो है रिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम डीजी को अपने ऑपरेट करेंगे। तो ये डेली बेसिस मेंटेनेंस क्या क्यों कह सकते हो, डेली बेसिस एक सुपरविजन होता है उस मशीन के लिए जो है डीजी सेट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है हम आते हैं जो है बी चेक के बारे में। तो बी चेक में क्या होता है कि जनरली फ्रेंड्स, अगर जो है हम पैरामीटर पे बात करें, तो ये 300 आवर्स जब आपका डीजी जो है रन हो चुका होता है, चल चुका होता है, तो जो है ये जो है मतलब इसको कर देना चाहिए। और जनरली इसको हाफ ईयरली बेसिस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस के रूप में जो है इसको अलग अलग जो है कंपनियाँ इसको रखती हैं, कि हमको इसको जो है कैसे रिपेयर करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। तो ये चीज़ें इसमें जो है हाफ ईयरली बेसिस पे होता है ये। लेकिन अगर हमारा जो रन आवर जो है पहले अचीव हो जाता है, तो इसको जो है पहले ही जो है कर लेना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं बेसिकली, जो है जब भी हम बी चेक के जो है अंतर्गत जो है जब हम जो है डीजी सेट का जो है मेंटेनेंस का काम हम देखते हैं, तो उसमें जो है कि हम जो है हमारा जो क्या क्या करते हैं, उसमें हम जो है ऑयल जो है उसका जो है जो इंजन ऑयल है उसको चेक करते हैं, अगर कंडीशन ठीक है तो ओके, अदरवाइज उसकी ऑयल को भी हम रिप्लेस करना होता है। उसके बाद में हमारे जो सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं, जैसे कि ऑयल फिल्टर होते हैं, उसमें फ्यूल फिल्टर होता है, बाईपास फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है, वाटर सेपरेटर होता है, तो ये सारे जो अलग अलग जो है फिल्टर्स होते हैं, इनमें इनको भी हम चेक करते हैं, निकाल के जो है इनकी साफ़ सफाई करते हैं, अगर इनकी कंडीशन ठीक है तो इनको दोबारा जो है हम जो है लगा देते हैं, अदरवाइज अगर इनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो इनको हम जो चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारा जो रेडिएटर है उसको जो है उसमें जो पपड़ी वगैरह जम गई है, अगर कहीं ब्लॉकेज है, तो उसको हम जो है केमिकल से उसको क्लीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बी चेक के जो है मेंटेनेंस के दौरान हम करते हैं किसी डीजी सेट के। अच्छा फ्रेंड्स, अब आते हैं हम जो है सी चेक पे। सी चेक में हम लोग क्या करते हैं कि जो है जब देखते हैं हमारा जो डीजी जो है वो 800 घंटे से ऊपर ऊपर हमारा जब चल चुका होता है, 800 से लेकर के और हमारा 1500 घंटे के बीच में जो इसका जो है मतलब एक रेंज होता है रन टाइम आवर का, तो हम जो है सी चेक करते हैं। तो सी चेक में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो है हमारा जो जब हम जो है डीजी सेट का जो है सी चेक करते हैं, तो उसमें हम जो उसका इंजन ऑयल है उसको जो है 100%, इसमें फिर कोई कंडीशन हम ओके नहीं देखते हैं, इसमें हम जो है उसके जो है जो उसका हमारा इंजन ऑयल है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, सारे हमारे जो फिल्टर्स हैं, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बाईपास फिल्टर हैं, एयर फिल्टर हैं, वाटर सेपरेटर, ये सारी की सारी चीज़ों को जो है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं और नया लगा देते हैं उसकी जगह पे, और जो है रेडिएटर वगैरह की साफ़ सफाई कर देते हैं। और साथ में जो है इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल थिम्बल्स होते हैं इनको भी हम चेक करते हैं, और साथ में ऐसे टाइम पर हमारा जो पोल्यूशन लेवल कितना है ये भी हमें चेक करना जो है वो कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि जो है इससे कि अगर उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो है स्मोक वगैरह आ रहा है, तो वो चीज़ें जो है उसको दूर की जा सकें, कि हमने जो ये चीज़ें की हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है आ जाता है हमारा जो है डी चेक।
डी चेक में जो है ये हम जो है जब हमारा जो डीजी जो है हमारा 3000 से ऊपर जो है घंटे वो रन हो चुका हो, 3000 से 5000 कहीं कहीं 6000 घंटे भी दिया होता है, तो हम जो है डी चेक करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारा जब भी जो है किसी भी डीजी सेट का जब हम जो है डी चेक करते हैं तो उसमें जो है क्या होता है कि हमारा जो डीजी सेट है उसको कम्प्लीटली जो है डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसके सारे जो है अलग अलग पार्ट्स अलग कर दिए जाते हैं और डिसमेंटल कर दिया जाता है, और उसमें सारी चीज़ों का सेपरेटली साफ़ सफाई होता है, उनका मेंटेनेंस होता है, जैसे कि उसमें आपका जो है टर्बो चार्जर की सर्विस की जाती है, उसमें इंजेक्टर पिन की जो है सर्विसिंग की जाती है, आपका सिलेंडर हेड है उसकी सर्विसिंग की जाती है, आपका पीटी पंप है उसकी सर्विसिंग की जाती है, और साथ में आपने जो भी जो बी चेक के दौरान आपने देखा था जो सारे अलग अलग सारे फिल्टर्स होते हैं इनको भी जो है हम वहाँ पर फिर रिपीट करते हैं, सारे फिल्टर्स वगैरह भी जो है उस समय चेंज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो है ये डी चेक के दौरान ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और लास्ट में दोस्तों जो है मैं एक चीज़ जो है एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको कि अगर हमारा जो है डीजी जो है वो 10,000 घंटे से ज़्यादा चल चुका है तो ऐसी कंडीशन में कुछ चीज़ें तो बहुत मस्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपका जो पिस्टन बियरिंग है उसको जो है चेंज कर देना चाहिए, आपकी जो जो नोजल्स हैं उन्हें चेंज कर देना चाहिए, जो आपके जो है पिस्टन सिलेंडर्स हैं अगर वो उसमें अगर कुछ वर्क करना है तो ठीक है, अगर वो चेंज करने लायक है तो उनको भी चेंज कर देना चाहिए, आपके कैनोपी फिल्टर्स हैं अगर वो चेंज करने लायक है तो उन्हें भी चेंज कर देना चाहिए, और पॉल्यूशन लेवल जो है इसको भी चेक करना चाहिए, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको ज़रूर उसको जो है ठीक करना चाहिए ताकि जो है पोल्यूशन लेवल को मेंटेन, क्योंकि ये जो है पोल्यूशन जो हमारा एनवायरमेंटल मतलब डिपार्टमेंट होता है कंट्रोल एनवायरमेंट को जो कंट्रोल करता है उसकी तरफ से जो है सख्त गाइडलाइन होती है कि ये पोल्यूशन लेवल तब जो कंपलसरी हो जाता है। तो दोस्तों जो है ये सारी चीज़ें हम एक डीजी सेट के मेंटेनेंस के दौरान करते हैं, और जो है तो ये सारी जो है डिटेल्स थी जो है दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है आई होप कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनेबल होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और ऐसे जो है इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं जो है अपने चैनल पे जो है इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस में बीच बीच में कभी कभी अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों फिर नमस्कार।